रेडबुल की तरह ही स्टिंग एनर्जी ड्रिंक आज मार्केट में धराधर बिक रही है, जो कि 1893 में एस्टैब्लिश हुई दुनिया की जानी मानी कंपनी पेप्सिको का एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। एक्चुअली 18 सेंचुरी के लास्ट में सॉफ्ट ड्रिंक के मामले में पूरी दुनिया में कोका कोला का एक तरफा राज था, जिसके बाद 1893 में कैलेब ब्रैडम नाम के एक फार्मासिस्ट ने पेप्सिको नाम की एक छोटी सी कंपनी की शुरुआत की। पर कोका कोला को जैसे ही अपने इस कंपटीटर के बारे में पता चला, उसने पेप्सिको के रास्ते में बहुत सी रुकावटें खड़ी कर दी, जिससे 1902 के आते आते पेप्सिको पूरी तरह बर्बाद हो गई, जिसके बाद कैलेब ब्रैडम की मौत हो गई दिल का दौरा पड़ने से। लेकिन फिर 1931 में कैलेब ब्रैडम का बेटा चार्ल्स जे गुथ ने कंपनी को फिर से शुरू किया और आज पेप्सिको कोका कोला का सबसे बड़ा कंपटीटर है। बल्कि आज बहुत से लोगों को तो पेप्सी का टेस्ट कोका कोला से ज्यादा अच्छा लगता है। स्टिंग एनर्जी ड्रिंक के अलावा लेज, कुरकुरे, पेप्सी, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, सेवन अप, ट्रॉपिकाना और एक्वाफिना वाटर बोतल, ये सारे प्रोडक्ट्स पेप्सिको की है। तो आज हम बात करेंगे कि स्टिंग एनर्जी ड्रिंक फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है। स्टिंग एनर्जी ड्रिंक इसको सबसे पहले 2002 में वियतनाम में लॉन्च किया गया था, जिसके बाद 2010 में इसे पाकिस्तान में लॉन्च किया गया और इसके बाद 2016 में इसे भारत में री लॉन्च किया गया, जिसके बाद यह भारत के साथ साथ आसपास के सभी देशों में बहुत फेमस हो गया। स्टिंग एनर्जी ड्रिंक दुनिया के कई देशों में बनाई जाती है और हर देश में इसका टेस्ट लगभग सेम होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो हर 3 से 4 किलोमीटर के बाद पानी का टेस्ट बदल जाता है। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि स्टिंग का टेस्ट हर जगह सेम ही होता है? ओके, तो स्टिंग को बनाने के लिए सबसे पहले बोरवेल से पानी निकालकर उसे माइक्रो लेवल तक फिल्टर किया जाता है और इतना ज्यादा फिल्टर करने के बाद तो चाहे पानी कहीं का भी हो उसका टेस्ट सेम होगा। इसके बाद स्टिंग का लिक्विड बनाने के लिए एक इंडस्ट्रियल मिक्सचर में सुगर, सिट्रिक एसिड, कैफीन, आर्टिफिशियल फ्लेवर, सोडियम, फूड कलर और भी कई सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जिससे एक गाढ़ा सिरप बनता है। और यह सिरप इतना गाढ़ा होता है कि सिर्फ 1 लीटर सिरप से 350 स्टिंग के बोतल्स बनाए जाते हैं। इसके बाद इस सिरप को पानी के साथ मिलाया जाता है और जब यह लिक्विड पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाती है तब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। अब इस प्रोसेस के बाद इसे टेस्टिंग के लिए लैब में भेजा जाता है, जहां इसके थिकनेस, टेस्ट, सुगर कंटेंट और स्मेल की टेस्टिंग होती है। इसके बाद इस लिक्विड को फिलिंग स्टेशन की तरफ भेजा जाता है, जिसके बाद यह कन्वेयर बेल्ट पर आगे चला जाता है, जहां पहले से ही तैयार बोतल्स में इसकी फिलिंग होती है, जहां इस पे प्राइस और मैन्युफैक्चरिंग डेट प्रिंट होती है, जिसके बाद इस पे लेबल्स चिपकाया जाता है और अब यह मार्केट में आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको ये तो पता होगा कि पेड़ से कागज बनता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ तो सफेद नहीं होता, फिर कागज सफेद क्यों होता है और आखिर लकड़ी में ऐसा क्या मिलाया जाता है जिससे कागज सफेद हो जाता है और लकड़ी के इतने मोटे मोटे सिल्ले से फैक्ट्री में कागज की इतनी पतली सीट कैसे बनाई जाती है? एक्चुअली हम कागज को पेड़ के बदले कॉटन से भी बना सकते हैं। आपने सुना होगा पैसे बनाने के लिए कॉटन के कागज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसे कागज बनाना हमारे यहाँ बैन है, वरना हर कोई नोट छापने लग जाएगा और कॉटन काफी महंगा भी होता है, इसलिए कागज बनाने के लिए ज्यादातर इक्यूलिप्टस और बांस की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। पुराने जमाने में लिखने की कोई पद्धति नहीं थी, तो लोग एक दूसरे से बात करके संदेश का आदान प्रदान करते थे। उसके बाद लोग गीली मिट्टी पर लिख कर उसे आग में पका लेते थे, फिर लोग पत्तों और ताम्र पत्रों पर लिखने लगे और आज हम कागज पर लिखते हैं। सबसे पहले 1905 ईस्वी में लगभग 2000 साल पहले चीन के काइलुन नाम के एक व्यक्ति ने कागज बनाई थी, जिसके बाद जैसा कि चीन हमेशा करता है उसने कागज बनाने की इस प्रक्रिया को पूरी दुनिया से सदियों तक छिपाए रखा। बाद में इस प्रक्रिया को जापान के एक बौद्ध भिक्षु ने खरीद लिया, जिसके बाद पूरी दुनिया को कागज बनाने की इस प्रक्रिया का पता चला। बट उस समय कागज बनाने के लिए पेड़ों को नहीं काटा जाता था, उस समय सहतूत की छाल, मछली पकड़ने वाले जाल, पुराने कपड़ों की रद्दी से कागज बनाए जाते थे। भारत में कागज बनाने की पहली फैक्ट्री 1832 में बंगाल में अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी और आज भारत के कई राज्यों में कागज बनाई जाती है। सबसे पहले कागज बनाने के लिए ऐसी लकड़ी को सिलेक्ट किया जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा फाइबर हो, जैसे कि बांस, इक्यूलिप्टस और सबाबुल। सबसे पहले पेड़ों को जंगल से काटकर उसके छोटे छोटे सिल्ले बना लिए जाते हैं। अब इन सिल्लों को दूसरी मशीन में डालकर उसका छिलका निकाल लिया जाता है, फिर इस सिल्ले को एक कटर मशीन में डालकर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और आगे इस लकड़ी को एक बड़े से ग्राइंडर मशीन में डालकर ग्राइंड किया जाता है, जहाँ यह लकड़ी वुड पल्प में कन्वर्ट हो जाता है जो कि रुई की तरह दिखता है। अब इस वुड पल्प को एसिटिक सॉल्यूशन के साथ उबाला जाता है, जिससे लकड़ी से लिग्निन और फाइबर अलग हो जाता है। एक्चुअली लिग्निन एक ऐसा मटेरियल है जो लकड़ी को हार्ड बनाए रखता है। अब इस बचे हुए फाइबर को पानी से धोया जाता है, बट अभी भी यह पेपर बनाने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद इसकी ब्लीचिंग की जाती है, जिससे यह फाइबर एकदम सफेद हो जाता है। अब इस फाइबर में पानी मिलाकर इसका पेस्ट तैयार किया जाता है और अगर कलरफुल पेपर बनाना हो तो इसी टाइम इसमें कलर भी मिलाया जाता है। अब इस पेस्ट को पेपर मशीन में डाला जाता है। यह एक बड़ी सी मशीन होती है जिसमें कई सारे रोलर लगे होते हैं, जिसके ऊपर इस पेस्ट को रोल किया जाता है। इस मशीन के लास्ट में एक ड्रायर सेक्शन होता है, जहां के रोलर्स गर्म होते हैं, जिससे पेपर में मौजूद थोड़ा बहुत पानी भी सूख जाता है, जिसके बाद सूखे हुए कागज को रोल बना के फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, जहां इसके बुक्स और नोटबुक्स बनते हैं। इस वीडियो के इंडी स्किन में मैंने तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो डाला है, जिस पर क्लिक करके आप अपना नॉलेज और बढ़ा सकते हो। जय हिंद।